ये मूंग की दाल के पकोड़े हैं, ये बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत शौक से लोग खाते हैं और बहुत अच्छे लजीज बनते हैं। आए हम आपको मूंग की दाल के पकोड़े बनाना बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रमज़ान मुबारक। आज हम रमज़ान की प्रोसेस से मूंग की दाल के पकोड़े बना रहे हैं। मूंग की दाल हमने पहले भिगो दी थी, एक मग्गा मूंग की दाल ली हमने, उसको भिगो दिया, भिगो के हमने उसको पीस लिया। थोड़ी दरदरी पीसते हैं, उसको बारीक नहीं करते। उसके लिए हमने जो मूंग की दाल के पकौड़े में चीज़ें डालनी है वो ये है। ये मूंग की दाल, एक मग्गा मूंग की दाल हमने ली थी, एक मग्गा मूंग की दाल ली, इसको हमने भिगो लिया, भिगो के पीस लिया। मैंने सिल पे पीसा है इसको, मैं ज़्यादातर चीज़ें सिल पर पीसती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप सिल पर पीस लें, ग्राइंडर मशीन में पीस लें। और इसके लिए हमने हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया, एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, दो हरी मिर्च, ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, गरम मसाला आधा चम्मच, टीस्पून, एक चम्मच नमक, नमक हसबे जायका, आपकी मर्ज़ी ज़्यादा खाते ज़्यादा डालें, और एक चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च लिए। लाल मिर्च भी मैं कम डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डाल लें, जो तेज़ मिर्चें खाते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको हम करेंगे, सबसे पहले इन चीज़ों को हम दाल में डालेंगे, फिर उसको हम मिक्स करेंगे। दाल में हम सारी चीज़ें डालेंगे, ज़ीरा, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, हरा धनिया, प्याज और ये हरी मिर्च, इनको अब हम मिक्स कर लेंगे, सही से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे, तेल डालेंगे गरम करके, फिर उसमें हम ये पकोड़े बनाएंगे। ये बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं, इनका अलहदा ही एक टेस्ट होता है मूंग की दाल के पकौड़ों का, और बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये हमने मिक्स कर लिया है, इसे अच्छा सा मिक्स हो गया है। ये अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। इसके लिए पहले हम चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे। ये तेल हमारा गरम हो गया है, देखिए मैंने थोड़ा सा डाल के देखा था, इससे पता चलता है कि तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम पकोड़े डालेंगे। इस तरह करके हम सारे पकोड़े बना लेंगे। ये देखिए हमारे पक गए, तैयार हो गए, ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, रेड रेड थोड़े, तो फिर हम उनको निकाल लेते हैं। सब हम इनको निकालेंगे, थोड़ा सा सुरुख इनको निकालते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, सुरख हो गए। रमज़ानों में कभी आलू के पकोड़े बनाए, कभी प्याज के बनाए, कभी बैंगन के बनाए और कभी मूंग की दाल के बनाए। इस तरह मुख्तलिफ रोज़ाना पकोड़े बनते रहेंगे, और मैं भी आपको रोज़ाना एक ना एक रेसिपी दिखाती रहूँगी। ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए, मूंग की दाल के पकोड़े। इसे खाएं और फिर बनाएं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये कैसे बने हैं। लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।